हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन और गुलबर्ग वागे के द्वारा जो दिया गया था, क्या कह रहा था कि हमारे पास में कोई रिएक्शन दे रखी है, कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे R टेंस टू हमारे पास में क्या थी, P थी। तो किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया किधर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले है ना क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के या उनकी सांद्रता के समानुपाती होती है या फिर उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी ये वाली, कि यहां पर हमने केवल रेट के लिए क्रिया कारक को लिया है, प्रोडक्ट को नहीं लिया है ना। तो कहीं भी अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम की, तो वहां पर हम क्रिया कारकों के रिस्पेक्ट में ही दर निकालेंगे। मतलब कि अगर दर निकाल रहे हैं तो वहां पर क्रिया कारक ही लेंगे, क्रिया कारक की सांद्रता ले सकते हैं, क्रिया कारक का आंशिक दाब ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या फिर सक्रिय द्रव्यमान के साथ में क्या हो सकता है, उनका आंशिक दाब हो सकता है, उनके समानुपाती होती है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, और थ्योरेटिकल पार्ट में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, लेकिन ये जो थ्योरी है वो आगे काम आएगी। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वो बता दूंगा डेफिनेशन का कौन सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले कि अभिक्रिया, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर काम में आएगा इतना पार्ट। तो अभिक्रिया की कोटि एवं अनुसंख्यता, तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी की अगर हम बात करते हैं, फिर रिएक्शन की, तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि और क्या होती है अभिक्रिया की अनुसंख्यता। हमें कोई सी भी रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे हमें दे दिया क्या 2A प्लस में 2B या 1B की बात करते हैं, तो 2A प्लस में 1B, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट की ओर जा रही है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, हमने क्या बोला अभी, क्रिया कारक है ना, तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो भी क्रिया कारक अणु है उनकी संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाएगी, अणुसंख्यता कहलाएगी। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि अणुसंख्यता किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। और अणुसंख्यता के बाद में हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा आपके, और न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, नई की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की जो भी हम सांद्रता लिखते हैं उसके ऊपर जो घातांक लगाते हैं वो उनका योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर, ये थोड़ी सी जगह नहीं है, एक बार आपको नोट करना है, इसके बाद में हमने मान लेते हैं कि हमने ये लिखा कि 2A टेंस टू पी लिख दिया, 2A टेंस टू पी लिखा है, और 2A टेंस टू पी लिखा है तो हम इसकी रेट लिखते हैं, तो R इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समानुपाती नहीं लगा रहे हैं, K ये कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट, और A की पावर में कितना लगा दिया हमने, 2। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बताया तो उसके सर पे बिठा देना है ना, तो यह आ गया हमारा कितना 2। तो अभिक्रिया में, अभिक्रिया कोटि क्या होगी, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक लगाया गया है वो उसकी क्या होती है, कोटि होती है। अब घातांक कितना भी हो सकता है, पावर कितनी भी हो सकती है, ये 2 है, हो सकते हैं इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो 1 से ज्यादा हो, तो उनके लिए भी हम देखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन मेनली बड़ा बड़ा जो ओवरव्यू है वो यही है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में अणुसंख्यता क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, और जो कोटि है वो क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक लगाया गया है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। हम देख लेते हैं इसमें, तो अभिक्रिया AA ये दे रखा है, A यहां पर क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और A हमारा यहां पर क्या है, रिएक्टेंट। B की अगर हम बात करते हैं तो B का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और B हमारा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया।
तो अभिक्रिया ये ए ए ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये हमारा क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, हमें रिएक्शन में यहां पर क्रिया कारक अणुओं को ही लेते हुए चलना है। तो अभिक्रिया ए ए प्लस में बी बी टेंस टू पी में यहां पर दो क्रिया कारक है, में सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ क्या, मतलब कि जो हमारे सांद्रता थी, या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यनुपाती क्रिया नियम। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार क्या, सक्रिय द्रव्यमान का नियम कौन सा होता है, सक्रिय द्रव्यमान द्रव्यनुपाती क्रिया नियम था गुलबर्ग भागे वाला, वही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर आर इक्वल टू के ए की पावर में ए और बी की पावर में बी। ये हमने पिछली क्लास में निकाला था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट हमने क्या लिखा था, जो रेट कांस्टेंट आता है, और रेट कांस्टेंट हमारा क्या था, के था। तो आर इक्वल टू के ए की पावर में ए और बी की पावर में कितना आ गया, बी। जो इनके साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इनके ऊपर, जो जिनका है उसी के ऊपर ही बिठाएंगे, दूसरे के ऊपर मत बिठा देना। तो ए की पावर में ए और बी की पावर में बी होगी। यदि ये भी हमने लिखा था कि हम अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को, लास्ट पार्ट यही था कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कितना मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर इकाई मानते हैं तो क्या होगा कि यहां पर आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के। मान के देख लीजिए, ये अगर हमारा वन है और ये भी हमारा क्या है वन है, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू के हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि मतलब कि जो हम अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं वो किस प्रकार ये दर है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पहली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी कि हम कहेंगे कि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमारे क्रिया कारक है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को, सभी क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया में जो दर नियतांक है उसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि अभिक्रिया की दर दर नियतांक के बराबर कब होती है, कब होगी, जब इक्वल तभी होगी जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रताओं को, सभी अणुओं की सांद्रताओं को कितना कर देते हैं हम, इकाई कर देते हैं। तो ये यही लिखा हुआ है कि हमारी जो वेग नियम, वेग नियतांक या इसे आप क्या बोल सकते हो, दर नियतांक, कुछ भी बोल दो, वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट है ना। तो वेग नियतांक अभिक्रिया वेग के, अभिक्रिया वेग मतलब अभिक्रिया की दर की है ना, तो अभिक्रिया दर भी बोल सकते हो इसे, अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, कब होता है, जब अभिक्रिया में सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होती है। जब अभिक्रियाओं में सभी क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी कर दी है हमने, इकाई कर दी है वन कर दी है, तो क्या हो जाएगा, पहला वेग नियतांक अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, और जब अभिक्रिया में सभी क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी होती है, इकाई होती है। सक्रिय द्रव्यमान के नियम में लिखा गया वेग व्यंजक सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक का अर्थ हम इसे प्रयोग से नहीं निकालते हैं, मतलब कि जो भी हमारा द्रव्यनुपातिक क्रिया नियम है इसमें हमने जो वेग व्यंजक लिखा है, वेग व्यंजक का अर्थ है कि आपने ये लिख दिया आर इक्वल टू के ए की पावर में टू, तो ये हमने सैद्धांतिक रूप से, हमने डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं निकाला है, हम डायरेक्ट क्या है इसको थ्योरेटिकल रूप में लिख रहे हैं। तो यही है कि सक्रिय द्रव्यमान के नियम में लिखा गया वेग व्यंजक सैद्धांतिक होता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी सरल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता समान होती है। तो अब सरल अभिक्रिया, दो चीजें होती है कि एक सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया क्या रहेगी और जटिल अभिक्रिया क्या रहेगी, तो सरल अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, सरल अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास ये दे रखा है कि हम कह रहे हैं ए और बी, हमें ए से बी बनाना था, ए से बी बन गया डायरेक्ट, कितना स्टेप हुआ, हम ए से बी यहां तक चल के आए, तो ये हो गया एक, एक ही पद जो केवल एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन कहलाएगी। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास में ए था, ए से हमें बी बनाना है, हम पहले किसके पास, सी के पास में, सी से किसमें आए, बी में,
हमने क्या किया, सबसे पहले सी को बनाया और सी से क्या बना, बी बना। कितने स्टेप हुए, दो स्टेप होंगे। डायरेक्ट ए से बी नहीं बन रहा है, डायरेक्ट ए से बी नहीं बना है, क्या बना है कि टू स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई है। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने बनाया ए से तो बना दिया सी ना, और सी से क्या बन गया हमारा, बी बन गया। देखिए सी से अगर हम सी को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कैसे होगा, आपको बताया था कि अगर इस साइड में इसको आप इक्वल मान लीजिएगा, इक्वल मानोगे तो इस साइड में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस में सी, और इसको बी इस साइड में लेके आओगे तो ये क्या बन, इसको इस साइड में ले आइए ये बन जाएगा, इसको यहां पर पड़ा रहने दीजिए, और ये सी हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए टेंस टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में, अभी आगे आएगी इसके एग्जांपल आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे, वहां पर देखेंगे कि हम जटिल अभिक्रिया क्या है, सरल अभिक्रिया क्या है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सरल अभिक्रिया कौन सी होती है, जो एक से अधिक पदों में एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी सरल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता समान होती है, सरल अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता तथा कोटि समान होती है। जैसे भी अगर हम अभिक्रिया की, जैसे ये हमें दे रखा है, हमें बोल दिया कि ये एक सरल अभिक्रिया है तो इसकी अणुसंख्यता कोटि बताइए, तो कितनी हो जाएगी अणुसंख्यता, इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम, यही क्वेश्चन लेंगे वैसे कि अणुसंख्यता हमारा कितना, दो हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाली क्रियाकारक अणुओं की संख्या दो, और कोटि कितनी हो जाएगी, सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक है वो कितना हुआ दो, तो ये कितना हो गया दो, तो अणुसंख्यता और कोटि क्या होगी, बराबर होगी। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, बता दिया जाएगा आपको आगे। तथा जटिल अभिक्रिया जो कि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उनके लिए कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से या अभिक्रिया की क्रिया विधि से किया जाता है। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि से प्रायोगिक रूप से कैसे किया जाता है, या तो हम प्रयोग प्रैक्टिकल से हम निकाल लेंगे कि इसकी कोटि का निर्धारण है वो, और या तो हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता है वो सरल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता समान होती है, तथा जटिल अभिक्रिया के लिए एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उनके लिए कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से या अभिक्रिया की क्रिया विधि से किया जाता है। तो प्रायोगिक रूप से या अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अनुसंख्यता को देख सकते हैं। अनुसंख्यता मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग किस प्रकार से, तो ये आपको बता दिया था कि हमारे पास में जैसे ये रिएक्शन है वो कितने स्टेप में हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, है ना। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास में ए से हम ये कह रहे थे बी में हो रही है, और बी से किसमें जा रही है, सी से। हम कहते हैं कि ए से सी में अगर हम पूरी अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो इसके लिए अनुसंख्यता बताइए, तो यहाँ पर ये अनुसंख्यता कितनी होगी इसकी, वन हो जाए, क्योंकि अभिक्रिया भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु कितने हैं, एक है। यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टेप के लिए और इस स्टेप के लिए अनुसंख्यता वो अलग अलग है, और कोटि की अगर हम बात करते हैं तो कोटि अगर हम निकालना चाहते हैं, हमें ये दे रखा है टू ए टेंस टू पी, तो कोटि का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, हम सबसे पहले दर नियम लिखेंगे, दर नियम कौन सा, यही वेग नियम, आर इक्वल टू के और ए की पावर में कितना टू, ये वाला स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, कितना हो जाएगा, ये दे रखा है दो, और दो इसके ऊपर घातांक कितनी है टू है, टू है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी दो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थ्योरी नहीं याद करनी है, बस इतना याद करना है कि सरल अभिक्रिया कौन सी है, तो सरल अभिक्रिया कौन सी होगी, जो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, एक ही पद में जो कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाएगी, सरल अभिक्रिया, और जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके बाद में अभिक्रिया में ये देखिएगा अणुसंख्यता क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं, कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, अणुसंख्यता कहलाएगी। हमने ये लिखा कि हम ये कह रहे हैं कि टू ए प्लस में बी टेंस टू पी, इसकी अणुसंख्यता बताइए, हम ये कह रहे हैं कि टू ए प्लस में और टू बी टेंस टू पी, या थ्री ए प्लस में टू बी टेंस टू पी, इसके लिए अनुसंख्यता बताइए। इसके लिए अगर अनुसंख्यता क्या बात कर रहा है,
अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, ध्यान रखना क्रियाकारक अणुओं की ही बात कर रहा है, तो क्रियाकारक अणुओं की संख्या है वो क्या कहलाती है, अणुसंख्या। हमें उत्पाद को नहीं जोड़ना है, तो कितने हो गए यहाँ पर, कितने दो, और यहाँ पर कितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वही अणुओं की संख्या है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ही आप अणुओं की संख्या लेते हुए चलिए, तो यहाँ पर कितने हो गए दो, और यहाँ पर कितना हो गया एक, तो कितने हो गए कुल संख्या तीन। इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने भाग ले रहे हैं दो, और यहाँ पर कितने ले रहे हैं दो, कितना हो गया ये चार, यहां पर तीन और दो कितना हुआ पांच। तो क्रियाकारक अणु ने, अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है ना ये ए टू प्लस आठ टू ए टू है ना पी, हम क्या करते हैं दो और दो चार हो गए ना, क्रियाकारक अणु संख्या ये ए टू को हम ये है यहां पर एक ही मॉलिक्यूल मानेंगे, अगर ये दे रखा है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना एक है, तो अणुसंख्यता कितनी होगी इसकी एक ही होगी, तो यहाँ अणुसंख्यता कौन सी होगी, अणुसंख्यता अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या। अणुसंख्यता कभी भी तीन से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है कि तीन से ज्यादा तब तो आप आंसर टिक कर दीजिए, अगर ऑप्शन के अंदर थ्री है तो आप वही टिक करिएगा, है ना। तो अगर हम अणुसंख्यता की बात करते तो अणुसंख्यता तीन ही होती है, तीन से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन कोटि है वो तीन या तीन से अधिक हो सकती है या तीन से कम भी हो सकती है, कैसे होगी वो भी देखें। आगे अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रताओं का घातांक कोटि कहलाती है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं का घातांक है वो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो क्रियाकारकों की सांद्रताओं का घातांक किस प्रकार से होगा, हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास में ये देखा है टू ए टेंस टू पी, देखिएगा ये दे दिया, तो इसके लिए अगर हम दर नियम लिखते हैं, दर नियम तो लिखना ही लिखना, आर इक्वल टू क्या होगा सक्रिय द्रव्यमान का नियम, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के घातांक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो हमने क्या किया यहां पर एक दर नियतांक लगा दिया, रेट कांस्टेंट लगा दिया, और एक की पावर में कितना आ गया टू आ गया। तो यहां पर सांद्रता के ऊपर जो घातांक लगी हुई है वो इसकी क्या हो जाएगी, यहां पर जो कोटि है वो हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। या अगर हम ये कहें कि 2a प्लस में b टेंस टू p, इसके लिए अगर कोटि निकालनी है तो क्या हो जाएगा, r दर नियम लिखेंगे k a की पावर में 2 इंटू में b की पावर में 1, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 प्लस में 1 सांद्रताओं का घातांक है वो क्या होती है यहां पर कोटि होती है, तो सांद्रताओं के ऊपर घातांक लगाया है वो कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल एक है तो एक रहेगा, दो है तो दो, तीन चार पांच है ना, ये ऐसे तो नहीं कहेंगे माइनस दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, या हम अगर चार लोग जा रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि हम चार है ना, ऐसे तो नहीं कहते हम माइनस चार है ना। कुल मिलाकर अनुसंख्यता क्या होगी हमारी, धनात्मक होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि ये धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक जैसे प्लस वन हुआ, ऋणात्मक हो सकती है जैसे माइनस वन शून्य है जैसे जीरो, और ऋणात्मक जैसे प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ इस प्रकार से। अनुसंख्यता सैद्धांतिक अवधारणा है जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक अवधारणा, और अनुसंख्यता को तो हम सैद्धांतिक रूप से बता सकते हैं और ये जो कोटि है प्रायोगिक रूप से निकाली जाती है, तो इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा। जिन अणुओं की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं, या प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि के बराबर होती है। अब क्या होती है ये कि जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है किनकी सांद्रता, हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था आज एक लिप सैतालिया वाला नियम था कि हमारे पास में कुछ क्रियाकारक ऐसे थे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता अभिक्रिया के दौरान, और उनको हम क्या मान रहे थे इकाई मान रहे थे ना, यहाँ पर भी हम इकाई ही मानेंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, और अभिक्रिया की कोटि है वो उन्हीं के लिए दी जाएगी जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया की कोटि जो परिवर्तन हो रहा है। कैसे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास में ए और ये रेखा है बी टेंस टू पी, इसके लिए अगर हम कोटि लिखते हैं तो कोटि किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, दर नियम लिखिएगा, सबसे पहले सक्रिय द्रव्यमान का नियम, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इनकी पावर में इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दीजिएगा, क्या है इनकी घातांक कितनी है,
सांद्रता की घातांक एक और एक दो, तो कुल मिलाकर कोटि कितनी हुई, टू हुई। लेकिन ये टू तभी होगी जब ए की सांद्रता में परिवर्तन हुआ हो और बी की सांद्रता में परिवर्तन हुआ हो। हमने क्या बोला कि हमने बोला है कोटि क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता। अभिक्रिया में भाग ले, जो भाग ले रहा है क्रियाकारक उसी की ही कोटि लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखी जाएगी। जैसे ए हमने लिखा और बी लिखा टेंस टू पी, हम कह रहे हैं कि पहले ए है हमारा कितना था 10 था और बी भी कितना था हमारा 10 था, ये कितना है 0, टी बराबर 0 पर। एक टाइम ऐसा आया टी बराबर हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ए हमारे ए के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ये कितना रहेगा 10, बी 10 से घटकर कितना हो गया यहां पर 0 और ये कितना बन गया हमारा, मान लेते हैं 11 बन, ने माना है ये, हो सकता है इसमें ये भी हो सकता 99.99, तो ये कोई कमी नहीं है ना। तो अगर हम बात करें इस अभिक्रिया के लिए कोटि लिखने की बात करते हैं तो हम ये लिखेंगे R इक्वल टू के ए की पावर में 1 इंटू में बी की पावर में 1। अभिक्रिया की कोटि में उनको हम नहीं लिखते हैं जिनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन, यहां पर देखिएगा सांद्रता कितनी थी 10 लेकर चला था और 10 ही पड़ी है, तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे। तो ऐसे क्रियाकारक अणु जिनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनकी इनको हम अभिक्रिया की कोटि के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो अब की बार हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 2 न लिखते हुए कितने लिखेंगे, केवल परिवर्तन किसमें हुआ है 10 से कितना हो गया 0 हो गया, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, तो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसी की ही हम कोटि लिखते हैं। बी की पावर में 1 कितनी आ जाएगी कोटि 1 आ जाएगी, अब की बार 2 नहीं होगी। तो अभिक्रिया की कोटि जिन अणुओं की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं या प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। घातांक का योग का अर्थ क्या है, हमने ये देखी कि सांद्रता के ऊपर जो घातांक है जो पावर लगा रखी है उनको जोड़ दी तो हमने कोटि निकाल ली। आगे जटिल अभिक्रिया में अलग अलग पदों के लिए अनुसंख्यता बताई जाती है लेकिन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग निर्धारक पद से किया जाता है, इसे आरडीएस कहते हैं। अब देखिएगा अभिक्रिया की अनुसंख्यता है वो तो क्या है कि अलग अलग पद के लिए बताई जा सकती है। हम ये कह रहे हैं कि हमने ये लिखा कि हमें ये बनाना है 2a से 3, 2a से 3 भी बनने की प्रक्रिया क्या है, हमने ये कह दिया कि एक स्टेप में तो ये होता है कि ए से बी बन जाता है एक में तो, और दूसरे स्टेप में बन जाता है ए से 2b बन जाता है, माना है कुछ होता नहीं ऐसा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया 2a और ये कितना बन गया 3b। अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए मेन अभिक्रिया है जो इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं अनुसंख्यता लिखना चाहता हूं तो कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उनकी संख्या हो जाएगी, तो कितनी है ये 2 है, तो 2 है तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा ये 2। अगर हम इस स्टेप की बात करते हैं, इस स्टेप की अगर हम बात करें तो यहां पर पहले स्टेप में इस स्टेप के लिए अनुसंख्यता कितनी होगी, इस स्टेप के लिए अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी है ना, यहां पर अनुसंख्यता कितनी होगी 1 होगी। तो यहां अभिक्रिया में भाग लेने वाले इस स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप के अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या कितनी है 1 है, और यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहां अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या भी कितनी है 1 है, तो इसकी भी अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यहां पर 2 होते तो अनुसंख्यता कितनी हो जाती 2, लेकिन हमने यहां पर उत्पाद को कहीं भी काम में नहीं लिया है, इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम कोटि के लिए कि कोटि किन के लिए लिखी जाती है, तो कोटि की अगर हम बात करते हैं जो अनुसंख्यता है वो तो अलग अलग स्टेप के लिए लिखी जा सकती है, चाहे वो हमारी सरल अभिक्रिया है चाहे वो जटिल अभिक्रिया है, किसी के लिए भी बोल देगा वो बोलेगा कि स्टेप के लिए लिखिए हम अनुसंख्यता उसके लिए लिख देंगे, लेकिन आपको एक मेन रिएक्शन के लिए क्वेश्चन दे रखा है, अगर कहीं नहीं बोला जाता है कि इसके लिए लिखिए तो आपको जो मेन रिएक्शन है ऊपरी ऊपर और उसके लिए आपको अनुसंख्यता लिखनी है आगे। लेकिन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग निर्धारक पद से किया जाता है, और वेग निर्धारक पद क्या होता है,
तो हम अगर हम किसी अभिक्रिया की बात करते हैं जो एक से अधिक पदों में हो रही है तो वहां पर क्या होगा कि अभिक्रिया की कोटि का अगर हमें निर्धारण करना है तो हमें ये दे दिया ए से, तो ये कह रहा है कि बी ये फास्ट रिएक्शन तीव्र गति से हो रही है और एक बी से सी स्लो रिएक्शन है। तो हमें कह रहा है कि जो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए, तो हम अभिक्रिया की कोटि दोनों से निर्धारित नहीं कर सकते, फास्ट रिएक्शन से नहीं, जो स्लो रिएक्शन है उससे निर्धारित करेंगे, है ना। तो वेग निर्धारक पद से किया जाता है, इसे आरडीएस कहते हैं। आरडीएस का अर्थ क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, जो वेग का निर्धारण करता है। तो वेग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, धीमी अभिक्रिया के द्वारा, स्लो रिएक्शन के द्वारा ही वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो जो भी स्लो रिएक्शन है उसके लिए आप कोटि निकाल लीजिएगा और वही वेग निर्धारक पद होगा और वही हमारी कोटि का निर्धारण करेगा। इसके लिए अगर हम आर लिखते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी की पावर में वन, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, वन। तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर सबसे स्लो स्टेप है वही आरडीएस होगा। तो किसी भी अभिक्रिया का सबसे स्लो स्टेप आरडीएस होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कहीं भी आपको स्लो स्टेप किस प्रकार से निकालो और फास्ट स्टेप हो किस प्रकार से, तो ये या तो आपको दिया हुआ आएगा, है ना, ट्वेल्थ लेवल पर दिया हुआ आता है, नहीं तो ये पता करना पड़ता है कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो स्टेप है। वो उसकी मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। आगे अगर हम अणुसंख्यता की बात करते हैं तो अणुसंख्यता है वो मैक्सिमम तीन होती है। तो आप लिख सकते हो कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता तीन होती है, अधिकतम तीन होती है, तीन नहीं अधिकतम तीन, दो भी हो सकती है एक भी हो सकती है, अधिकतम तीन होती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि तीन से कम या तीन के बराबर तथा तीन से अधिक हो सकती है, तथा तीन से अधिक हो सकती है। कैसे, अगर हम अणुसंख्यता की बात करते हैं तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, कितने अणु आपस में प्रभावी टक्कर कर रहे हैं वही उसकी अणुसंख्यता होगी। जैसे अगर हम कहें हमारे पास में एक मॉलिक्यूल ये था ब्लू वाला और एक हमारा ये ब्लैक वाला दे, आपस में आए, पास में आए और पास में आकर इन्होंने टक्कर की, प्रभावी टक्कर, आमने सामने की टक्कर, आमने सामने की टक्कर हो रही है, उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर कर रहे हैं ये, या आपस में टकरा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से टकरा गए तो कितने मॉलिक्यूल टकराए, दो मॉलिक्यूल टकराए, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, दो। प्रभावी टक्कर, दोनों में टक्कर होनी चाहिए, आपस में मिलने चाहिए सभी, है ना। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास में ये था एक ये मॉलिक्यूल रेड वाला, एक हमारा ये ग्रीन और एक हमारा ये ब्लैक, कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये ब्लैक वाला है वो रेड वाले से और ग्रीन वाले से टच हो रहा है, रेड वाला है वो ग्रीन वाले से और ब्लैक वाले से टच हो रहा है। यहां पर देखिए ग्रीन वाला है वो रेड से और ब्लैक से टच हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर सभी मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और यही इनकी प्रभावी टक्कर कहलाती है, इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी ये वाले। लेकिन यहां पर अणुसंख्यता इफेक्टिवली कितने मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, मैक्सिमम तीन। इसके बाद में आगे अगर हम देखते हैं तो क्या चार मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली टकरा पाएंगे, एक तो हमने ये ब्लू वाला लिया, ये मान लेते हैं कि इससे टकरा रहा है रेड से, इससे टकरा गया और एक ही हमारा ब्लैक वाला आ गया, और एक ये ग्रीन आ गया। हमने माना है, समझने के लिए हम कह रहे हैं कि प्रभावी टक्कर किस प्रकार से होगी, ब्लू वाला है वो रेड वाले से टकरा रहा है, ब्लैक वाले से भी टच में आ रहा है, लेकिन ग्रीन वाले के टच में नहीं आ रहा है, कौन, ब्लू वाला। प्रभावी टक्कर सभी आपस में नहीं मिल रहे हैं,
यहां पर अगर हम रेड की बात करते हैं तो ये ब्लू वाले से टकरा रहा है, ग्रीन वाले से टकरा रहा है, लेकिन ब्लैक वाले के टच में नहीं आ रहा है, तो प्रभावी टक्कर नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार से अगर हम रख दें और एक इसके ऊपर रख दें तो सरफेस में हो, लेकिन वो हम प्रभावी टक्कर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक समझने के तरीके से कि इस प्रकार से भी टक्कर हो रही हो तो वहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल है वो आपस में टकरा, इनका तो तीन का टकराना है, तीन का टकराना है, इस प्रकार से टकरा जाएंगे ना। तो जहां पर प्रभावी टक्कर होगी वहां पर ही हम अणुसंख्यता निकालेंगे, और अणुसंख्यता मैक्सिमम कितनी होती है, तीन होती है, क्योंकि तीन मॉलिक्यूल ही प्रभावी टक्कर कर सकते हैं, तीन से अधिक मॉलिक्यूल प्रभावी टक्कर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण अणुसंख्यता तीन होती है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि है वो तीन या तीन से अधिक या तीन के बराबर तीन से कम हो सकती है। आपको एक तो ये याद रखना है कि अभिक्रिया की जो भी हमें जैसे सरल अभिक्रिया देती, तो सरल अभिक्रिया के लिए आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सरल अभिक्रिया होती क्या है। सरल अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है एक ही पद में पूर्ण हो जाती है सरल अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है जटिल अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, और इसके आगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, ये थ्योरेटिकल है, इसमें काम में क्या आएगा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता वो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करें कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि बताइए, अणुसंख्यता बताइए, और किस प्रकार से स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये सभी जो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आएगा आगे। आपको बस जितना बताया इसमें याद क्या करना, अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन याद कर लेना, अणुसंख्यता की जटिल अभिक्रिया और ये और एक जो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक, और कोटि है वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था कि हमारे पास में अणुसंख्यता दे रखी थी और कोटि दे रखी थी, इसके लिए हमने अणुसंख्यता और कोटि की डेफिनेशन देखी थी, है ना। लेकिन वो पार्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट ये है न्यूमेरिकल पोर्शन वाला इम्पोर्टेंट है, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन है स्टार्टिंग में क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले आप देखिएगा रिएक्शन कौन सी है, सरल अभिक्रिया दे रखी है जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया के लिए देखा था जो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है वो सरल अभिक्रिया है, और जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है वो हमारी क्या है, जटिल अभिक्रिया है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, हमें रिएक्शन क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा वैसा लिखते जाएंगे। 2A:2P में अभिक्रिया की अणुसंख्यता तथा कोटि बताइए। आपको बताया था कि अगर हमें सरल अभिक्रिया दे रखी हो या जटिल अभिक्रिया दे रखी हो, अणुसंख्यता प्रत्येक स्टेप के लिए हम बता सकते हैं, अणुसंख्यता किसी भी रिएक्शन के लिए बताई जा सकती है, चाहे वो स्लो स्टेप है, चाहे वो फास्ट स्टेप है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन है, सरल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया, जो भी दे रखी है उसके लिए प्रत्येक स्टेप के लिए हम अणुसंख्यता निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए अगर अणुसंख्यता लिखते हैं तो अणुसंख्यता हम कह सकते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। यहां पर देखिए कितने मोलिकुलर, अणुसंख्यता का अर्थ क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, ध्यान रखिएगा क्रियाकारक अणु, क्रियाकारक कौन सा है, ये 2A है क्रियाकारक हमारा, तो यहां पर इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो यही इसकी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अणुसंख्यता, 2। अगर हमें ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि याद करनी है, तो कोटि क्या कहती है, अभिक्रिया में भाग, कोटि
आपको दे रखा होगा, रिएक्शन का टाइप दे रखा है, सरल अभिक्रिया तो उसके लिए निकाल सकते हो, लेकिन आपको जटिल अभिक्रिया दे रखी है तो उसमें स्लो स्टेप जो आरडीएस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही कोटि निकाल सकते हो। और अगर उसमें जो दिया गया क्रिया कारक है वो मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है तो उसके लिए भी हम अदर स्टेप देखें क्या हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए अगर हम कोटि निकालना चाहते हैं तो अभिक्रिया का टाइप दिया हुआ होना चाहिए, दे रखा है हमें सरल अभिक्रिया, इसके लिए हम क्या करेंगे अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निकलेगी। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको क्या करना है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यमान प्रतिक्रिया नियम से, क्या कहता है द्रव्यमान प्रतिक्रिया नियम, अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया की दर आर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, क्रियाकारक क्या ए के समानुपाती होती है, समानुपाती कंसान लगा दिया। और यहां पर आपको बताया था स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी साथ में यूज में लेना है और इसके सर पे बिठा दीजिए, कितना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दो, तो ये हम लिख देंगे यहां पर दो। आर इक्वल टू, अगर हम समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आएगा यहां पर आएगा, वो रेट कॉन्स्टेंट आएगा, और रेट कॉन्स्टेंट दर नियम से अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा के और ए की पावर में दो। यही कहा था अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक है जो पावर है उनका योग, यहां पर एक ही क्रियाकारक है तो योग करने की जरूरत नहीं है, कितनी पावर है यहां पर दो दे रखी है, तो दो दे रखी है तो आर इक्वल टू ये ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका टू हो जाएगा। अगर हम यही अभिक्रिया देखते हैं सेम अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया का प्रकार नहीं बता रखा है, अगर आपको ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी एग्जाम की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर दे रखा है आपको अभिक्रिया 2A टेंस टू P में अभिक्रिया की अनुसंख्यता तथा कोटि बताइए, तो हम मोलिकुलरिटी तो निकाल लेंगे, इसकी अनुसंख्यता है वो तो निकाल लेंगे, मोलिकुलरिटी क्या कहती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अनुसंख्या कितनी है दो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इसकी अनुसंख्यता हो जाएगी कितनी हो जाएगी दो। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि ऑर्डर के लिए अगर कोटि निकालनी है तो उसके लिए आपको अभिक्रिया की प्रकार है वो बताया जाना चाहिए। अगर आप स्लो रिएक्शन दे रखी है तो हम आरडीएस से ये निकालते हैं, अगर सिंपल रिएक्शन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कोटि, लेकिन अगर जटिल अभिक्रिया है तो उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि वहां पर ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, तो आपको अगर स्लो स्टेप दे रखा है तो आरडीएस से ही हम कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि है वो ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि अभिक्रिया का प्रकार हमें बताया नहीं गया है, तो हम यहां पर अभिक्रिया की कोटि है वो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा वैसे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि हमें अभिक्रिया 2N2O5 जहां पर ये रिएक्टेंट है हमारा और टेंस टू 4NO2 प्लस में O2 ये दे रखा है, निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है, ये एक रिएक्शन है जो ऊपर वाली है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है हमें, ये कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड के अंदर, क्या क्या है, पहला स्टेप N2O5NO2 प्लस में NO3 ये स्लो स्टेप है इसका, और ये दे रखा है N2O5 प्लस में NO3 3NO2 प्लस में O2 ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1 और यहां पर भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो हमारे पास में N2O5 और N2O5 कितना हुआ 2N2O5 NO2 और NO3 से NO3 कैंसिल आउट, NO2 और 3NO2 कितना हो गया 4NO2 और बचा O2 ये आ जाती है इन दोनों को जोड़ने पर। तो मेन रिएक्शन हमारी कौन सी हुई, ये हुई और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अनुसंख्यता लिखना चाहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी मेन रिएक्शन, अगर हम कुछ नहीं दे रखा उसने नहीं बोला है कि स्लो रिएक्शन की बताइए या फास्ट रिएक्शन की बताइए तो हम मेन रिएक्शन की लेंगे और मेन रिएक्शन में क्रियाकारक अणुओं को ही देखें, क्रियाकारक क्या है N2O5 है और इसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है रसमिकरणीय गुणांक वो कितना है 2 है तो मोलिकुलरिटी इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहां पर इस अभिक्रिया के लिए हम ये लिख देंगे मोलिकुलरिटी 2 अनुसंख्यता 2,
लेकिन आपको बोल देता है स्लो स्टेप के लिए बताइए, तो स्लो स्टेप के लिए कितना हो जाएगा? देखिए स्लो स्टेप में क्रियाकारक अणु N2O5 कितना है? 1, इसके लिए कितनी हो जाएगी? 1, लेकिन अगर ये बोले तब फास्ट रिएक्शन के लिए कितना है? 1 और 1 2, अनुसंगिता कितनी हो जाएगी इसके लिए? 2, लेकिन ये हमें नहीं लिखनी है, हमें क्या लिखना है? मेन रिएक्शन की अनुसंगिता लिखनी है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम अनुसंख्यता कोटि की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि है वो किससे निकाली जाती है? आरडीएस से, स्लो स्टेप से, है ना। तो स्लो स्टेप अभिक्रिया का आरडीएस होगा, स्लो स्टेप हमारा कौन सा? ये वाला, तो ये हमारे काम में आएगी, इसी से हम कोटि निकाल पाएंगे जटिल अभिक्रिया के लिए। आरडीएस होगा जिससे कोटि का निर्धारण होगा। आरडीएस से हम अगर निकालना चाहते हैं कि इसकी जो कोटि है, ऑर्डर है, वो निकालना चाहते हैं, तो ऑर्डर किस प्रकार से निकलेगा? ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लो ऑफ मास एक्शन लिखना है, लो ऑफ मास एक्शन। देखिएगा लो ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? स्लो स्टेप लिखना है, स्लो स्टेप से ही निकलेगी जो कोटि है वो। तो स्लो स्टेप हमारा क्या है? 1 N2O5 टेंस टू NO2 प्लस में NO3, यही है स्लो स्टेप। तो हमारा ये आरडीएस है, इसी से ही हम कोटि का निर्धारण करेंगे। लॉग मास एक्शन क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे मतलब है, हमने स्लो स्टेप ले लिया है और इसके लिए रेट लिख रहे हैं। तो आर समानुपाती अभिक्रिया भाग लेने वाले क्रिया कारक कौन सा है? N2O5 की पावर में 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसका, 1 आ जाएगा। अगर हम समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा जो अभिक्रिया का दर नियतांक होगा, के N2O5 की पावर में 1, ये आ गया, ये नोट कर लेना। हमारे पास में क्या आ गया है? R इक्वल टू के N2O5 की पावर में 1, है ना। यह है R इक्वल टू के N2O5 की पावर में 1। अब देखिएगा यहां पर हम इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की जो क्रियाकारक दे रखा है उसकी सांद्रता के ऊपर घातांक कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास में जो ये दे रखी है मेन रिएक्शन दे रखी है ना, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग ही आप लिखोगे कि हमारे पास में जो रिएक्शन दे रखी है उसमें जो क्रियाकारक अणु है वो मेन रिएक्शन के अंदर जो हमने लिखा है स्लो स्टेप से वो और ये वाला जो क्रियाकारक है सेम होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा आने चाहिए, और स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट लिए हैं वो इसके समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर यहां पर N2O5 और Cl और होता है, मान लेते O2 और होता, तो हम इसको O2 बनाते, किसके थ्रू बनाते? जो हमारा फास्ट रिएक्शन है उससे, फास्ट स्टेप है उससे बनाते। क्या करते हम? के इक्विलिब्रियम लिखते, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वहां से हम कुछ चेंजिंग करके लिखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। लेकिन आप ऑर्डर लिखते समय ये देख लीजिएगा कि जो हमने दर नियम लिखा है उसके अंदर जो हमने क्रियाकारक लिया है क्या वही अकेला ही है क्या इसके अंदर जो मेन रिएक्शन है उसके अंदर? अगर भी नहीं है तो उसको चेंजिंग कर दीजिएगा और फिर लिखिएगा ऑर्डर। यहां पर तो क्या आ जाएगा? स्लो स्टेप से डायरेक्ट है तो फर्स्ट स्टेप यूज में नहीं आया है, तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें अगर हम इसके लिए ऑर्डर लिखते डायरेक्ट तो क्या होता? क्रियाकारक की सांद्रता की घातांक कितनी है? 2 है, तो 2 हो जाता, लेकिन ये काम में नहीं आएगा। यहां पर देखते तो भी कितना आता? 2 आता, लेकिन हमने यूज में कौन सा लिया? स्लो स्टेप यहां पर यूज में लिया है।